मैंने कहा दादा आप एक बात बताओ कि आप इतनी आपकी उम्र हो गई, इस उम्र में भी प्रेम की और प्यार की बात करते हो, ये ऐसा क्यों, ऐसा कैसे? बड़ा प्यारा जवाब दिया। बोले जो मजा टोपी में नहीं आता वो मजा साफे में आता है, जो मजा टोपी में नहीं आता वो साफे में आता है, वो कवियों को सारा मजा लिफाफे में आता है। कवियों को सारा मजा लिफाफे में आता है, बूढ़ों को बूढ़ा मत समझ लेना, प्यार का मजा तो बुढ़ापे में आता है। ये इसलिए अनुभवी लोग देखना भी, आप प्रेम प्यार की बात करेंगे तो ये गजानंद भगवान की बाके बिहारी सरकार की। बहुत बढ़िया आदरणीय ने मेरे को पहले नंबर पर उतारा, और आप जानते हो अच्छी तरह कि फल वाला जब अपनी दुकान पर फल बेचता है तो जितने सड़े सड़े फल रहते हैं उनको नीचे जमा लेता है या पीछे जमा लेता है, और जो सबसे अच्छा फल होता है उसे सबसे आगे रखता है। तो इस मंच का सबसे अच्छा क्या बात है, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया मंच है। इस प्रांगण में उतने ही लोग उपस्थित है जितनी कि उस देश में ईमानदारी है। ईमानदारी के तुल्य सभी श्रोताओं को प्रणाम निवेदित करता हूँ साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप और बहुत अच्छा संचालन आदरणीय ने किया और कर रहे हैं। उन्होंने आगाज से अंजाम शुरू में ही कर दिया, मैंने भी अपना काम शुरू में ही कर दिया। वाह 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 साहब, बहुत बढ़िया मंच है। और अपन तो कहां साहब, उत्तर प्रदेश में कविता पाठ कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश में हालात गजब के हो गए। ध्यान दीजिएगा हालात किस तरह के चल रहे हैं, के कप कपाती कप कपाती कप कपाती, ठंड में भी लोग धूप ओढ़ने निकले हैं। अच्छा। बात पकड़ लो समझ लो तो तालियों में बताना। कई लोग पैदल चल रहे हैं, के कप कपाती, ठंड में भी लोग धूप ओढ़ने निकले हैं, और जिनके हाथ कटे हैं वे भी हाथ जोड़ने निकले हैं, और जिनके पूर्वजों ने भारत बांटा था कभी, उन्हीं के वंशज रोड पर आज भारत जोड़ने निकले हैं, उनके वंशज रोड पर आज भारत जोड़ने निकले हैं। साहब राहुल गांधी भारत जोड़ने निकला, अब उसको देखो, जब नरेंद्र मोदी ने चाय यात्रा शुरू की तब उसने खाट यात्रा निकाली। अब चाय का काम क्या है, चाय पीता है आदमी तो आदमी जागता है चाय पीने से। अब नरेंद्र मोदी जी चाय पिला के जगा रहे हैं और ये खाट बिछा के। अब हालात ये साहब, परिस्थिति देखना के राहुल जी आज हाल ये तुम्हारे ना होते। वन टू थ्री, मंच को भी ताली बजाना है आपको भी। वन टू थ्री, राहुल जी आज हाल ये तुम्हारे ना होते, राहुल जी आज हाल ये तुम्हारे ना होते, जनता की सुनते बात तो फिर हारे ना होते, जनता की सुनते बात तो फिर हारे ना होते, संसद में सिंधिया जी को मारी आंख आपने। अंतिम पंक्ति मजा दे तो तालियों में बताना, संसद में सिंधिया जी को मारी आंख आपने, लड़की को मारते तो तुम कुंवारे ना होते, लड़की को मारते तो तुम कुंवारे ना होते, लड़की को मारते तो तुम कुंवारे ना होते, कि मेरी जिंदगी में बेहुदा मजाक हो गया। वन टू थ्री, मेरी जिंदगी में बेहुदा मजाक हो गया, मेरी जिंदगी में बेहुदा मजाक हो गया, कुछ देर के लिए दिमाग लाक हो गया, कुछ देर के लिए दिमाग लाक हो गया, और अफसरा समझ को जिसके ब्याह के लाया मैं, और अफसरा समझ के जिसको ब्याह के लाया मैं, ब्यूटी पार्लर का दौड़ साहब, अरे अफसरा समझ के जिसको ब्याह के लाया मैं, मेकअप जो धुला उसका तो तलाक हो गया, मेकअप जो धुला उसका तो तलाक हो गया। साहब परिस्थिति देखना, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, बोले बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ, मैंने कहा क्यों भाई साहब, हम बेटे क्या नर्मदा जी की बाढ़ में आए हैं?
हमको ब्लूटूथ से डाउनलोड करा। नहीं मतलब करा क्या, बोले एक बेटी पढ़ लेती है तो चार चार को शिक्षित करती है, एक बेटी पढ़ लेती है तो चार चार को शिक्षित करती है। अरे मन को उसके चक्कर में 40 छोरे फेल हो रहे जो साहब परिस्थिति देखना। बोले बेटियां बहुत नाम कर रही है, बेटियां बहुत नाम कर रही है, बेटियां गोल्ड मेडल लेके आ रही। अरे तो बेटे कौन से कम है, वो भी गोल्ड फ्लैग लेके आ रहे हैं। परिस्थिति देखो भाई साहब, साहब पुरुष लड़के बहुत भोले होते हैं और महिलाएं बहुत चतुर होती है। साहब पुरुष को देखना, महिलाएं बहुत चतुर होती। कोई भी लड़की अपने पति की बहन यानी अपनी ननद से बिल्कुल प्रेम नहीं करती, बिल्कुल प्यार नहीं करती, लेकिन पुरुष को देखना भाई साहब, अपनी पत्नी की बहन ये वही ताली बजा रहे हैं जो अपनी पत्नी की बहन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत गजब का टैलेंटेड है। और ये साहब ये महिलाएं होती चतुर हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रशासन कह रहा है, ये सरकार कह रही है। यानी कि शादी के लिए लड़के की उम्र कितनी होती है, 21 वर्ष, और लड़की की 18। यानी लड़के में जितनी अकल 21 साल की उम्र में आती है, लड़की में 18 में आ जाती है। साहब लड़के का जन्म 9 महीने में हो जाता है, आगे बढ़े, और लड़की का जन्म 9 महीने 15 दिन में, क्योंकि 9 महीने में तो अपनी तरह कर दिया, 15 दिन फिनिशिंग के। तालियों में बताओ यार जरा, मैं बहुत टैलेंटेड लोग है साहब बोलते मैं। अब बोल रहा है, अब ये सारी बात जब प्रशासन ने करी तो एक लड़की मेरी क्लास की, वो बोले कि हम बहुत चतुर है, बहुत चतुर है, लड़के क्या है। अब मैंने 4 पंक्तियों में जवाब दिया, यदि सही लगे तो तालियों में बताना कि सच बोलता हूँ ये कोई फसाना नहीं है। 1 2 3 जब मैं 1 2 3 बोलूं ताली बजानी है मंच को भी। सच बोलता हूँ ये कोई फसाना नहीं है, सच बोलता हूँ ये कोई फसाना नहीं है, सच बोलता हूँ ये कोई फसाना नहीं है। मर्दों की आदतों को तुमने जाना नहीं है, मर्दों की आदतों को तुमने जाना नहीं है। 9 माह में बनोगी माँ बस एक बच्चे की, 9 माह में बनोगी माँ बस एक बच्चे की। हम कितनों के बने बाप ये ठिकाना नहीं है, कितनों के बने बाप ये ठिकाना नहीं है, मर्दों की आदतों को तुमने जाना नहीं है।